यह सबसे सस्ता अफोर्डेबल कर्व डिस्प्ले वाला फोन। बवाल चीज है वे। बट वेट, क्या सच में बवाल है या फिर यह Realme का फोन? Realme 10 Pro Plus, आगे 5G खुद लगा लेना। इस फोन को लेके कई सारे डाउट है। कैसा है डिस्प्ले, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या प्रो गेमिंग हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल, कैमरा कैसा है, क्या ये अपग्रेड है फिर डाउनग्रेड है? Realme फैन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस फोन के बारे में सब पता चल जाएगा और हमें भी मजा आएगा। जिंदगी का असली मजा तो भाई सब करने में ही है। नए फोन की अनबॉक्सिंग, जिसका भी बर्थडे है केक काट देते हैं उसके नाम पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, तो सबसे पहले ऊपर ये बॉक्स। ओके, ये प्रोटेक्शन, तोड़ो मड़ोड़ो और ऐसे छोड़ दो। और ये बेकाम की चीज है जिसको कोई नहीं पड़ता। ओके, ये घुसेड़ू यंत्र। ऐसी मजेदार अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं ना, तो दबा दो यार वो लाइक बटन। अरे मारा धिक्रो। ओ हो 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 हो, ये है इसका फर्स्ट लुक। और क्या सामग्री है, दिल से दिल को जोड़ने वाली तार और ये फास्ट चार्जर। तो सबसे पहले इसके डिजाइन को देखो, रियल में इसे हाइपर स्पेस डिजाइन कहता है। और भाई सब देखने में अलग तो लग रहा है, कैमरे के पास देखो ऐसा लग रहा है कोई लाइट आ रही है कैमरे से। सबसे पहले इसका डिस्प्ले देखो, इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है कर्व डिस्प्ले। आपको पता है जो कर्व डिस्प्ले है वो ज्यादातर प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के फोन्स में देखने को मिलते हैं, बट ये आपको अफोर्डेबल मिड रेंज कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन नहीं मिलेगा भाई साहब। ओके, ये एक 120 हर्ट्ज वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले है और इसका साइज भी काफी बड़ा है। ये 6.7 इंच का डिस्प्ले है और देखने में डिस्प्ले प्रीमियम तो लगता है। काफी मिनिमल बेजल्स है ऊपर के साइड में, देखो साइड्स में देखो, यहाँ पर जो कर्व है वहाँ पे थोड़े से बेजल्स है, हल्के से, काफी मिनिमल है। नीचे चिन मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही कम बेजल्स है। देखो 93.65% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एक बार डिस्प्ले टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। डिस्प्ले की क्वालिटी देखो यार, ओए होए 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 होए। ये देखो सामने से डिस्प्ले ऐसा दिखाई देता है, साइड व्यू देखो, इस साइड से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से, इस साइड से भी विंग एंगल देखो। टिल यार डिस्प्ले की क्वालिटी, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, पंची कलर, डीप ब्लैक, मतलब भाई साहब देखने में फुल मजा आएगा। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें डबल रेनफोर्स ग्लास है। ओहो हो, कुछ नहीं हुआ। ये जो ड्रॉप टेस्ट करता ना आप मत करना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 950 इसकी पीक ब्राइटनेस है, तो ये लोएस्ट आप देख रहे हो। ये 25% है, ये देख लो, ये 50% और ये एक 75%, काफी ब्राइट लग रहा है डिस्प्ले देख। और ये है 100%, तो यार डिस्प्ले यस ब्राइट इनफ है, काफी ब्राइट है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, कोई इशू नहीं आएगा। आउटडोर में भी ब्राइट इनफ है। ओके, सेटिंग पे जाते हैं, स्क्रीन रिफ्रेश स्टैंडर्ड है, ऑटो का ऑप्शन है और ये 120 हर्ट्ज, मतलब डीजे पीरो सारू है भाई साहब नंबर वन। ये देखो ये 60 हर्ट्ज पे है, ये देखो ये 120 हर्ट्ज करता हूँ और ये देखो ओ 120 हर्ट्ज पे। ओहो हो 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 हो, सब स्मूथ तो फील होता है। ये देखो इसके एक बार वेट देखते हैं। ओहो 176 ग्राम, मतलब लाइट है। और ये अगर आप इसे हाथ में पकड़ते हैं तो ये काफी लाइट फील होता है। और ये स्लिम भी है, 7.78 mm थिन है एंड फ्रंट से देखने में प्रीमियम है। बट इसका जो बैक है ये प्लास्टिक है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और इसमें फिंगरप्रिंट के जो निशान है वो भी इजिली आ जाते हैं, तो बार बार ऐसे करना पड़ेगा। ऑनेस्टली मतलब ग्लास बैक होता थोड़ा मजा आता है, हालांकि देखने में ग्लास बैक जैसा लगता है। एक चीज कहूंगा, इसका हैप्टिक फीडबैक काफी तगड़ा लगा, टैक्टाइल इंजन 2.0 है, दबाने में पूरा मजा आ रहा है। ओके, ये नीचे देखो सिम स्लॉट है, डुअल सिम स्लॉट है, नो एसडी कार्ड, यहाँ पे माइक्रोफोन टाइप सी और ये स्टीरियो स्पीकर, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन और ये पावर बटन, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन, गड्ढा गायब है। ये देखो यहाँ पर 200% वॉल्यूम का भी ऑप्शन है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी इज गुड, स्टीरियो है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये देखो। और अगर हम टेस्ट करते हैं ये, या फास्ट है, ठीक है फास्ट है, फास्ट अनलॉक हो जाता है। पीछे की साइड में ये 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है। ये सैमसंग HM6 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा और 2 मेगापिक्सल, ये कहा था बे, ये 2 मेगापिक्सल का पीछे छोड़ेगा। और ये फ्रंट 16 मेगापिक्सल, OIS नहीं है, आप तो जानते हैं। आओ मिलके लेते हैं। ओके, ये तीनों की एक बार बारी बारी से लेते हैं। अरे ओके, ये फोटो वन नॉर्मल मोड और एक पोर्ट्रेट मोड से ये लेते हैं और एक ये मैक्रो मोड। ओके, ये फोटो देखते हैं। ओ हो 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 हो, क्या बात है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ हो, इसमें देखो कलर्स बहुत ही अच्छी दी है यार, क्या बात है। और एक ये मैक्रो शॉट्स में, मैक्रो शॉट्स इतना खास नहीं लगा। इन सब ऑब्जेक्ट्स के फोटोज लिए मैंने, मुझे काफी अच्छे लगे। बट 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 ये देखो मैंने अपनी ली, अपनी लेना भी एक कला है। तो जो फोटोज निकल के आए हैं वो थोड़े से डल, अंडर एक्सपोज निकल के आए हैं। ये देखो स्किन टोन थोड़ा सा ब्राइट होता तो ज्यादा अच्छा लगता। देखो लिप्स भाई साहब लाल लाल कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने बाहर जाके भी लिया। ये देखो ये फोटो आउटडोर लाइटिंग कंडीशन की है और यहाँ पर जो स्किन है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज आ गया है। और इसके अलावा एक और ये फोटो देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा स्किन टोन मुझे अच्छा देखने को मिला, थोड़ा सा रेडिश स्किन टोन आया। यहाँ पर डिटेल्स मुझे काफी अच्छी लगी। और यहाँ पोर्ट्रेट अगर हम चेक करते हैं, डिटेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे, देखो एकदम शार्प है, थोड़ा सा फोटोज ब्राइट आते तो मजा आता। और ये देखो ये 108 मेगापिक्सल के, अगर हम इसे जूम करते हैं, ये देखो डिटेल्स तो है खास नहीं है।
कैमरे में यहाँ पर रियलमी को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कैमरा अगर रियलमी 9 प्रो प्लस जैसा होता तो ज्यादा बेटर होता। कैमरा फीचर्स देखो तो ये देखो, नाइट मोड है, स्ट्रीट मोड है, वीडियो मोड है, फोटोज, पोर्ट्रेट, 108 मेगापिक्सल और ये मोर ऑप्शन, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, EIS है, 4K 30 FPS पे बैक सपोर्ट है, 1080p 60 FPS पे मिल जाएगा। वीडियो फोकस चेक करते हैं। ओहो, ये देखो फास्ट है यार, एकदम फास्ट कर लेता है। ओहो, फ्रंट में भी EIS है, क्या बात है। ये 1080p, ओके 1080p तक मैक्स है। एक सेल्फी देखते हैं। हाय गाइस, और ये देखो, ओए होए 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 होए, ये इंडो लाइटिंग कंडीशन है भाई साहब। सेल्फी काफी अच्छा है, देखो सेल्फी थोड़े से सॉफ्ट जरूर आते हैं, पर सेल्फी में जो स्किन टोन है वो मुझे काफी बेटर लगे यार। रियर के कंपैरिजन में तो भाई साहब बहुत अच्छे स्किन टोन है। सो सेल्फी इज गुड। परफॉर्मेंस, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिप है, ये 5G चिप है, 6N वाला चिप है, और इसका एंटीटू स्कोर 5,13,000 प्लस निकल के आया है, जो मैं कहूंगा एक काफी अच्छा स्कोर है। और ये देखो, थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा, जो ग्राफ है वो भी काफी अच्छा है, थ्रॉटल परसेंटेज 84% है। Guys, excited? Yes, yes. Papillo. Gaming. मुझे पता है जितने भी gamers हैं वो इसी के लिए excited हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। Graphics check करते हैं। Okay, smooth option है, balance है, HD है, HDR भी है। Okay, ultra HD नहीं है, HDR और ultra पे option है, smooth और extreme का option है, smooth gameplay है। यार gaming में display देखो क्या मस्त दिख रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। अरे अरे अरे, ओ चचा, ग्राफिक्स तो भाई साहब बहुत तगड़े हैं, स्मूथ और एक्सट्रीम पे एकदम मक्खन चल रहा है। देखो साले का खोपड़ी तोड़। अरे कहाँ भाग रही है? AKM तो मेरी फेवरेट गन है। तो भाई साहब स्मूथ और एक्सट्रीम पे गेम मक्खन की तरह चल रहा है, ऐसा कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, एकदम मक्खन गेमिंग कर सकते हो। अच्छा, ऊपर चढ़ेगा। ओ स्मूथ गेम प्ले है, मक्खन है गेम। ओ और ऐसा कोई हीटिंग इशू भी फील नहीं हो रहा, गेमिंग एक्सपीरियंस तो बढ़िया भाई साहब। बाकी इसमें 8GB रैम और अप टू 256GB स्टोरेज है। बस स्टोरेज चेक करते हैं, सेटिंग्स पे गए। ओके, तो ये 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। एक बार ये मल्टीटास्किंग चेक कर लेते हैं, ये सारे ऐप्स क्लोज कर दिए। ओके, एंटूटू ओपन करता हूं। ठीक है, फास्ट है, ठीक है। क्रोम, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ गया। गैलरी, ठीक है, फास्ट है। कैमरा, ये भी फास्ट है। गूगल डुओ, ये भी फास्ट है। सो मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ है यार, ऐसा कोई लैग या जिटर नहीं है। देखो एक और चीज, सेटिंग में जाके रैम एक्सपेंशन सर्च करते हो, ये देखो अप टू 8GB तक आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो। नॉइस, 5000mAh की बैटरी है और ये 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये देखो, ओ हो, बट बॉक्स में 80W का चार्जर दे रहे। आई बाकी अगर मैं फोन में जाऊं और ये देखो यहाँ पर ये सेटिंग्स है, बताओ फोन की भी सेटिंग्स है। और एक इमोशनल डैमेज, Realme UI 4.0 वर्जन है और ये Android 13 पे बेस है। फोन में ब्लॉटवेयर काफी ज्यादा है। एंड यस, ये 5G फोन है। प्राइस मुझे पता नहीं, बट जहां तक मुझे लगता है ये अंडर 25,000 रुपीज में आना चाहिए। 22-23,000 रुपए अगर इसकी प्राइस होती है तो ये सेम मैं कहूंगा ये काफी अच्छा फोन होगा। लेकिन अगर जो प्राइस है वो 25,000 के ऊपर चली जाती है फिर उसको क्या कहेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर ओवरऑल मेरे ओपिनियन की बात करूं, मैं इस फोन को एक अच्छा गुड फोन कहूंगा। लेकिन अगर मैं इसे Realme 9 Pro Plus 5G से कंपेयर करता हूं, मैं कहूंगा इतना ह्यूज अपग्रेड नहीं है, एक्सेप्ट डिस्प्ले। यस, इस फोन में डिस्प्ले एक बहुत बड़ा अपग्रेड है और जिस प्राइस पॉइंट पे Realme कर्व डिस्प्ले दे रहा है, इसके लिए मैं Realme को थम्स अप। परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस करी, जैसे कि इसका कैमरा। इसका जो कैमरा है इतना खास नहीं है, एवरेज है। Realme 9 Pro Plus लेवल का नहीं है, OIS नहीं है, ग्लास बैक नहीं है। ये जो दो तीन चीजें अगर ये दे देता Realme तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट फोन होता। ओवरऑल कहूं तो फोन को टेस्ट करके मुझे काफी अच्छा लगा, बट सब कुछ इसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। वेट, एक चीज करना भूल गया, वीडियो को लाइक और अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर करना, आपको ये फोन कैसा लगा। फैला दो यार, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड stay safe.